सभी वीडियो पर एक कमेंट बड़ा कॉमन था, भैया विदाई की वीडियो जरूर डालना। जी हां, विदाई की वीडियो जरूर डालना। आपको मैं बताता हूं कि सीन क्या हो गया। जी यहां पर हम अपने दोस्तों के साथ आए हुए हैं। क्या है, कहां आए हुए? विनायक होटल। विनायक, विनायक का मतलब है गणेश। अच्छा गणेश, सभी से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इन दोनों को तो आपको दिखाया था एक ब्लॉग में। ये हमारे दोस्त है ऋषभ, ये हमारे दोस्त मणिकांत। खाते हुए और ये लोग मंगाए हुए हैं अपना क्या, चिकन लॉलीपॉप। और मेरे लिए है बेबी कॉर्न। लेकिन ये बेबी है नहीं, ये लगता है बेबी थोड़ा बड़ा हो गया। और ये है हमारे शिवम भगत, टैलेंटेड वन। इसके बारे में एक डिस्क्लेमर डाल दे कि आईटीएन। नहीं, मसाला भी नहीं खाना है, उससे मसाला इसका भी लग रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तुम खाया क्या, मालूम चला ना? बहुत अंतर है। कोई बात नहीं, तुमको मसाला अच्छा लग गया, हम जान गए। नॉन वेज वालों को नहीं यही फायदा हो जाता है, वो वेज वाला आइटम भी खा लेते हैं, नॉन वेज वाला भी खा लेते हैं। और हम सिर्फ वेज तक ही लिमिट रहते हैं, हमारे से शेयर हो जाता है। ऋषभ तो एकदम लग रहा है फील लेके खा रहा है एकदम। काफी दिनों बाद कटियार में पहली। अच्छा कुछ भी लाते हैं, नॉन वेज या वेज, सब का कलर एक ही मिलता है। धोखा तो तुम्हारे साथ हुआ है, तुम लोग को भी लग रहा है भेज दे दिया। जी आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ क्रिकेट खेलने हैं। और 12 ओवर में हम लोग का था, हम लोग का बॉलिंग था, तो 12 ओवर में हम लोगों ने बनाया है 96 रन, टारगेट मिला है 97 का। और हम तीनों यहाँ बुजुर्ग खिलाड़ी है, यहाँ पर बच्चों सबके साथ खेलने आ गए हैं। एक ओवर में 1 रन चाहिए। और यहाँ पर सारे फील्डर सर्किल के अंदर सारे बल्ला घुमा दे, लेग पे, लेग पे, मुंह पे, लेग पे, मुंह पे। दादा जैसा जिया है उसी आदर्श को हम मांगते हैं, उसी के अनुसार हम जीना चाहते हैं। बड़का होइ छै अपन योग्यता से, अपन व्यवहार से, अपन चरित्र से। जी ये था हमारे मम्मी पापा के बीच का एक प्यारा सा नोक झोंक। आपने हमें और जिया को कई बार देखा होगा लड़ते हुए, झगड़ते हुए, और इसी तरह से सोचा कि आज मम्मी पापा का दिखा देते हैं। बाहर है जबरदस्त ठंड और यहाँ लग रहा है हमारा खाना गरम गरम चावल। गरम भी रहा कि नहीं, भाप का निकल रहा है? गरम है, बहुत बढ़िया। गरम है, तुरंत बना है तो गरम नहीं तो ठंडा रहेगा। है आलू मटर और बंधा गोभी की सब्जी, लेकिन सबको गर्म करता है। सब गर्म है, दाल तो पूरा तुरंत गर्म चाहिए। ठीक है, हम चल रहे हैं अपने रूम काम करने। हाँ थोड़ी देर में हम चेक करने आएंगे कि आप काम कर रहे हो कि क्रिकेट खेले था। कोई बात नहीं, हम क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे, अपना काम पूरा करके ही निकलेंगे। और हमारे गरीब खानी में आइएगा ऊपर, थोड़ा उद्धार हो जाएगा गरीब। जा रहे हैं डैडी को बोल ले। कोई बात नहीं, जा रहे हैं। तो जी चलते हैं हम अपने रूम और अपने काम पर लगते हैं। भाई साहब ये जो पहना है ना हमने, ये लिया था मनाली से, और इसका देख रहे हैं क्या रोवा रोवा निकल रहा है। लेकिन जो भी हो गर्म बहुत रखता है शरीर को, तो इसलिए हम इसको हटाते नहीं है, चाहे कितना रोवा उड़ जाए, कुछ हो जाए। अच्छा हम बाहर जा रहे हैं, जो लोग देखेंगे कि क्या पहन के निकला है, वैसे हम बाहर भी निकल जाएंगे तो क्या मतलब यार। जो है सो है। Six and a half hours later. आप आइएगा वीडियो में, देख लीजिएगा YouTube। आए हुए हैं कटिहार के फुला मिष्ठान और ये लेके जा रहे हैं। अब भाई क्या, अब निकल रहे हैं यहाँ से, मेरा भाई आया हुआ है, तो सोचे इसको भी फुला मिष्ठान का समोसा खिला देते। खाया यहाँ का? हाँ खाया। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। जी यहाँ पर जिया और फुफेरा भाई और हम तीनों मिलकर समोसा का आनंद ले रहे हैं। पहले तो सोचे थे कि मार्केट में ही खा लें, लेकिन सोचे कि चलिए घर लेके चले जाते हैं, सभी साथ मिल बैठ कर खाएंगे। और यहाँ पर माँ नहीं है, तो माँ आपको इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि माँ जो है अपनी ड्यूटी पर जा चुकी है, और उसको छोड़ने का, ड्रॉप करने का वो सब वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया जी।
उस समय बिल्कुल नहीं मूड हुआ कि उस चीज को रिकॉर्ड किया जाए। Tomorrow. जी अभी हम लोग छत पर बैठे हुए हैं और अपना धूप का आनंद ले रहे हैं। ठंड भी अच्छा खासा रह रहा है पिछले कुछ दिनों से और इधर तो धूप है, लेकिन धूप के साथ साथ जो है हवा भी बह रही है तो इसलिए थोड़ा सा फील हो रहा है ठंड, लेकिन मजा आ रहा है। घर में नहीं बनता। और ये जी हमारा लग गया खाना, भाभी आज राजमा बनाई है, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, हमको आलू का भुजिया ज्यादा अच्छा लग रहा है। आलू का भुजिया बस... पता है इनको कुछ अच्छा नहीं लगता, स्पेशली जब हम बनाते हैं। अच्छा ऐसी बात है, और नहीं अभी गरम गरम है, गरम में सब कुछ अच्छा लगता है। इन्हें बोलेंगे कि अच्छा बनाई है, गरम गरम इसलिए अच्छा लगता है। जी ये तो थी मजाक वाली बात, हमें सच में वह सब्जी काफ़ी अच्छी लगी और हमें रसदार सब्जी खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो दाल होता है उसमें भी पानी अच्छा खासा रहना चाहिए तब ज़्यादा मज़ा आता है। हो सकता है कि आप में से कई लोग कहे कि कितना पानी डाल दिया, गंगा नदी बहा दिया, ना जाने क्या क्या बोले, लेकिन ये सच में हमें रसदार सब्जी और इस तरह का रसदार दाल वही अच्छा लगता है, तो जी हाँ इसलिए ऐसा बनाती है। वहीं दूसरी तरफ मेरे भाई और मेरे पापा, उनको जो है सूखा सब्जी ज़्यादा अच्छा लगता है और ग्रेवी होना भी चाहिए तो हल्का ग्रेवी, तो जिया उनके अनुसार बना देती है, पहले उनके लिए अलग से कर लेती है और फिर हमारे लिए अलग से उसमें पानी डाल देती है। जी अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर, जो आपने वीडियो का टाइटल भी देखा होगा कि हमने शादी की विदाई का वीडियो क्यों नहीं डाला। जी हमने सोचा था कि आपको बिहार की शादी की एक एक रस्में दिखाएंगे और हमने वीडियो डाला भी स्टार्ट किया और जितनी भी वीडियो डाली हमने शादी पर, इतने व्यू दिए आप लोगों ने, इतने प्यार बरसाए, इतना सपोर्ट किया, मजा आ गया जी। सोचा भी नहीं था कि इतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, उसके लिए थैंक यू जी, दिल से थैंक यू आप सभी को। और जानते हैं सभी वीडियो पर एक कमेंट बड़ा कॉमन था, भैया विदाई की वीडियो जरूर डालना। जी हां विदाई की वीडियो जरूर डालना। और कमेंट किया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे और जब भी हम लाइव आते थे ये जरूर क्वेश्चन रहता था कि आप लोग विदाई का वीडियो कब डालोगे। हाँ जी तो सॉरी जी आप सभी को डिसअपॉइंट करने के लिए कि हम विदाई का वीडियो नहीं डाल पाए, और कोशिश कर रहे हैं कि अगर विदाई का वीडियो हमारे पास आ जाए तो जरूर डालें। आपको मैं बताता हूँ कि सीन क्या हो गया। जी सीन ये हुआ कि मेरी मम्मी को ड्यूटी पर अर्जेंटली जाना पड़ा और मुझे भी कटिहार में काम आ गया कुछ, तो हमें और मम्मी दोनों को निकलना पड़ गया वहाँ से, तो साथ में पापा और जिया भी आ गए, तो हम जो है वीडियो रिकॉर्ड कर ही नहीं पाए, तो इसीलिए हम जो है वीडियो क्या डालते थे, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो कैसे डालते थे। फिर जी हमने सोचा कि कैमरामैन से हम ले लेते हैं वीडियो जो उसने रिकॉर्ड किया होगा वहाँ पर, तो कैमरामैन को फ़ोन भी किया, उसने कहा कि आप जो है एक दिन बाद आओ यहाँ पर और ले लो, तो जी वो बनमनखी और ये कटिहार तो बहुत दूर है, तो उतना भी दूर नहीं है, लेकिन अपना यहाँ पर काम भी है तो काम छोड़ करके वहाँ जाना थोड़ा मुश्किल है जी। तो जी हमने कैमरामैन से कहा कि आप जो है गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दो, वहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे, तो हो सकता है उनको शायद समझ में नहीं आया कि ड्राइव पर क्या करते हैं, अपलोड कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। हमने कहा कि ठीक है जी आप व्हाट्सएप पर ही भेज देना, जितना भी हो सके आप भेज देना, तो जब भी व्हाट्सएप पर आएगा, अब यहाँ यूट्यूब पर तो नहीं जी, अब हम अपने इंस्टाग्राम पर डाल देंगे, तो अगर आप लोग अभी तक इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हैं, ये रही हमारी आईडी, आप यहाँ पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर हम विदाई की वीडियो डाल देंगे जब भी आएगा हमारे पास। तो अब इस व्लॉग को हम लोग यहीं पर खत्म करना चाहेंगे, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूलें ताकि हमारा कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।